हेलो डियर्स, मैं हूं नकाश जमील। यकीनन आप मुझे भूल गए होंगे और भूलेंगे भी क्यों नहीं। मेरे चैनल का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा बन चुका है, एक महीने में मैं 4-5 वीडियोस बनाता हूं और 2-4 महीने के लिए ऐसा गायब हो जाता हूं जैसे गधे के सर से सींग। मेरे यूं गायब होने के पीछे बहुत सी वजूहात थी और हर बार की तरह इस बार गायब होने के पीछे भी कुछ वजूहात थी। जैसा कि 2020 को हमने और आपने टाटा बाय-बाय करके 2021 को वेलकम कर दिया, लेकिन 2021 के शुरू होने के बावजूद मेरी जिंदगी में 2020 वाली प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं रही, मेरी फैमिली में भी है। अब 2021 शुरू होने से कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। एक साल होने को था और मैंने पूरे साल में एक टका भी नहीं कमाया था, जिसकी वजह से गुर्बत का तापमान बढ़कर हट गया। लेकिन फिर आपके भाई को आती है एक कॉल। मेरे लिए काम करेगा? और आपके भाई ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता हूँ। और फिर 18 दिन काम करने के बाद जब पैसे हाथ में आए तो उन लोगों के मुंह पे भी मारे जिन पे अरसे से पौड़ी उधार चल रही है। पौड़ी हो रही है, पौड़ी हो रही है। है तो पहाड़ी से पहले काम, काम से पहले कराची, कराची से पहले फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम से पहले, एक मिनट, क्या मैंने अभी अभी कराची बोला था? अब आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि अपुन है कराची से, लेकिन 2009 में एक मोड़ आया से अपुन कराची छोड़ आया और उसके बाद हम आ गए बाबा जी पिंडी। खैर, तो हमारे लास्ट टूर टू कराची को 8 साल से ज्यादा हो गए थे। इस बार कराची जाना उतना ही अनएक्सपेक्टेड था जितना साल 2020 रहा। मतलब आप यूँ समझो कि जिस दिन हम कराची के लिए निकले उससे 4 दिन पीछे चले जाएं तो मुझे तो क्या, मेरी अम्मी को जिन्होंने कराची ना जाने की कसम खाई हुई थी उनको भी नहीं पता था कि हम 4 दिन में कराची हों। तो यहां आ जाती है वो फैमिली प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारा कराची जाना मुमकिन हुआ। अब मुझे पता था कि मैं फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कंटेंट नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने अपना माइंड बना लिया कंटेंट ना बनाने का। लेकिन चिल गाइस, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। खैर, हमने फटाफट पैकिंग की और रेलवे स्टेशन जाकर उस ट्रेन की टिकट खरीदी जो 10 मिनट में निकलने वाली थी। किस्मत चेक करो, हमें दुनिया की सबसे घटिया ट्रेन की टिकट्स मिली। सबूत तो नहीं है मेरे पास ट्रेन को घटिया साबित करने का, लेकिन भाई ने बोला तो मानने का। जो भी हो, सफर में टाइम अच्छा गुजरा, लेकिन कितना ये पता नहीं। बस एक मसला जो ट्रेन की वजह से कराची में 4 दिन तक रहा वो था चक्कर। मतलब अच्छा टाइम इज टेम्पररी बट चक्कर इज परमानेंट। तो 32 घंटे का सफर करने के बाद जब हो जाती है धूल मिट्टी और ठंड में कमी, कचरे की बदबू में वो ताजगी, तो दिल से एक ही आवाज आती, वेलकम टू कराची। रात के 1:30 बजे हम कराची पहुंचे। मेरे दो छोटे मामू हमें स्टेशन पे लेने आए हुए थे। वीडियोस नहीं बना सका जैसा कि मैंने बताया। खैर, तो हम मामू के घर आ गए। अब जितना अच्छा मुझे मामू के घर आके लग रहा था उतनी ही पहली रात की नींद मुश्किल हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा, मतलब अच्छा टाइम इज टेंपरेरी बट चक्कर इज परमानेंट। रात जैसे तैसे गुजारने के बाद शुरू हो जाता है हमारा फर्स्ट डे इन कराची, जिसका सिंपल सा हिसाब किताब था, जहां हो वहीं रहो। तो यानी पहले दिन मैं घर ही रहा और अभी भी मैं कोई कंटेंट नहीं बना रहा था, बट थैंक्स टू माय ब्रदर्स। हेलो भाई, कैसा ये देखो मासूम शक्लें हैं, मासूम शक्लें देखो। हेलो भाई, क्या ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास यूट्यूबर, कितने सब्सक्राइबर हो गए भैया? -165। वाह, ओ ये इंटेलिजेंट बंदा, ये माइक के नाम ठीक है बोल रही है, देख लो भाई। देखो साइंटिस्ट रोने लग गया, साइंटिस्ट के बाल सफेद हो गए, उसके गले जगह लग गई है, नहीं लगी है ना शेरी, पर बार बार अटेंड ना किया कर, उसके गले जगह लग गई। तुमने उसको कहीं मार दिया? देखो एक हमारा बंदा रो गया, इसका कल इंतकाल, कल जनाजा, आइए इसका जनाजे पे बंदा मर चुका है। शेरी हाय बोलो, तुम्हारे फैंस को मैं देख रहा हूं। मेरे हाथ में था तेरा दिल धड़कता था, दिल में हमारा। ये बंदा क्यों उदास है? था इस पे स्टोरी है।
मोबाइल हेलो डियर्स एंड वेलकम टू सेकंड डे इन कराची और डे वन की तरह आज भी मैं घर ही हूँ। यूं ही फिर कजन के साथ शुगर मेला लगाकर खत्म हो जाता है डे टू। एक और सुहाना दिन कराची में जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, नहीं कोई वीडियो नहीं बनाई, जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved ये मेरा गिफ्ट है। चलो थैंक यू यार, मुझे लगा तुमने गिफ्ट दिया मुझे। चलो थैंक यू, वाओ व्हाट इज, जीत गया जीत, बस 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 बस। तो जीत की खुशी में इतना रोना क्यों यार? तुमने तो मुझे नहीं दे दिया था, तुमने अभी वीडियो में बोला कि आपका हो गया, बस वीडियो में बोलना था वो। चलो ये हम डालेंगे नहीं वीडियो में, ठीक है? कुछ बोलोगे नहीं, तुमने तो वीडियो में आना था मेरे साथ। आराम से दोबारा से शुरू से। अच्छा जीत गए, चलो यार मुबारक हो यार। अब हम कहाँ जा रहे हैं? स्पेशल जगह पे यार, तुम पहले से बता दो, रिवील कर दो। और क्या ना, अभी हम इतनी ज्यादा बनाने वाले थे, एक वाइब बनाने वाले थे, अभी एक्सपेक्टेशन बनने लगे, एक्साइटमेंट। चलो दूसरी बात, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कराची की सबसे फेमस, तू नहीं तू बता, कराची की सबसे मशहूर जगह कहाँ बता दूँ? बता रहे हो
तुम्हें मना किया नहीं बताना? हाँ बताऊं कि नहीं बताऊं? ये भी हम बताएं तुम्हें? बताऊं क्या ना बताऊं? बताओ तो सही बताऊं यार, भाभी पता चल जाएगा। बताऊं अभी थोड़ी देर पहले क्या वाक्या हुआ है? शिव जी क्यों नहीं गए? कुछ नहीं, अब यहाँ पे आ गए हम लोग भी खाजे भाई के पीछे भी क्या खाजे भाई अब घूम चुके हैं और पता नहीं चाची लोग के साथ आएंगे। अब चाची लोग बोले मैं एग्जिट पे खड़े रहो, खड़े हैं एक घंटा हो गया अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया, कोई ना पता है हम लोग। चाह रहे हो कोई लास्ट बार कुछ कहना चाहते हो? मैं भी चलूंगा साथ। तुम भी चलोगे चेरी? तुम बाद में आएंगे ना? बाद में उठ भाई करके आ रहे हैं। जी इधर आओ ना, तुम सोए हुए थे यार, हम जा रहे हैं। अच्छा कुछ बोलो जल्दी से, जल्दी से कुछ। बाय बाय मून भैया। गुड्डू मामा आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? मैं ये कहना चाहूंगा तुम इतने भड़ूस इंसान हो कि ऐड होने चाहिए मुझे। मैं कराची में तुमने इतनी मूसियत फैलाई है। हां चलो चलो, ढीले इंसान मेरी जिंदगी में तारीफ कर दी थी। चंदे भाई का फोन मेरे पास, यही है तुम्हारी तारीफ, इससे बढ़कर तारीफ नहीं है हमारे पास। चलो आठ साल बाद हम कराची आए और 10 दिन रहे। ये 10 दिन मेरे लिए एक जीता ख्वाब है। एक अरसे बाद अपनों से मिलने के बाद अब क्या बयान करूं मैं अपने जज्बात। चार दीवारी और एक छत से ना एक महफूज मुकाम तो बन जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो घर नहीं होता। घर की बुनियाद तो अपनों से होती है। ख्वाहिश तो यही है मेरी कि मेरे अपने हमेशा रहें मेरे साथ, लेकिन कुदरत का कुछ निज़ाम ही ऐसा है यार कि कुछ बस रह जाते हैं याद। कराची से इस बार बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के लिए थोड़ा काबिल बन चुका हूँ मैं। अपने पहले शहर से अपने दूसरे शहर आया हूँ मैं, अब तो इस बात का दुख भी नहीं कि स्टेशन से लेने आया ही नहीं कोई, क्योंकि घर आया नहीं मैं, घर से आया हूँ मैं।